नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से कैसा सीड से। तो देख रहे हैं कि आज यहाँ पे आज कैसा सीड का नवंबर वायदा 6330 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आधे फीसदी की करेक्शन के साथ। रुपा जी देख रहे हैं कि नवंबर वायदा कैसा सीड का 6300 के पार जा चुका है लेकिन आधे फीसदी की करेक्शन देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से नवंबर वायदा 6300 के ऊपर निकला है तो क्या 6500 का भी लेवल जल्द ही देखने को मिल पाएगा? देखिए, जहाँ तक कैस्टर सीड की बात है, कैस्टर सीड में अभी बाजारों के अंदर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा था लेकिन नवंबर वायदा ने वापस से वापसी की है और एक तेजी बनती हुई दिखाई दी है। नवंबर के साथ साथ आप दिसंबर भी देखिए 6400 का स्तर छू चुका है। अखिलेश, नवंबर वायदा की एक्सपायरी है। अब हम अगर दिसंबर वायदा की बात करें तो जो जैसे कि मैंने हमेशा टारगेट दिया इसका कि 6500 तक ऊपर जा सकता है तो वो टारगेट अभी भी अचीवेबल है और अभी मुझे लगता है दिसंबर वायदा में वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 6500 का स्तर यानी करंट लेवल से 100 रुपए की तेजी अभी फिलहाल देखने को मिल सकती है। जी, ये से रूपा जी देख रहे हैं कि बिनौला खल का दिसंबर वायदा 2500 से फिसल चुका है, 2487 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है सफाई फीसदी की गिरावट के साथ। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में यहाँ से अभी कुछ बिकवाली का दौर देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ से एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी और फिर से 2500 के ऊपर के लेवल देखने को मिल पाएंगे? देखिए, बिनौला खल एक रेंज बाउंड है, अभी सस्टेनेबल है मार्केट। यहाँ पर ही मैंने पहले भी बताया था कि 2400 से लेकर 2600 की एक रेंज है, इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और अभी फिलहाल अगर आपको नीचे आता है यहाँ पर 2400 के दायरे में आता है 2400 के आसपास तो वहां पर बल्कि अच्छी रणनीति हो सकती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिसंबर वायदा में या जनवरी वायदा में आप बाइंग की पोजिशन खड़ी कर सकते हैं, आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है 2400 के आसपास और मुझे लगता है कि वहां से कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है बल्कि ऊपर जा सकता है मार्केट 2600 से लेकर 2800 के स्तर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस कमोडिटी को चलने में, अभी सुस्त कारोबार है और एक सीमित दायरे में फिलहाल ट्रेड देख सकते हैं तो इसीलिए 2400 के आसपास अगर बाजार आता है तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, ये रूपा जी देख रहे हैं कि मसाला कॉम्प्लेक्स भी आज ठीक ठाक कारोबार करता नजर आ रहा है। जीरा 14600 के ऊपर, धनिया 8000 के ऊपर। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आप खबरें आ रही हैं कि धनिया की शॉर्टेज देखने को मिल सकती है मार्केट्स के अंदर, मंडियों के अंदर, तो क्या धनिया एक बार फिर से 8800 का लेवल दिखला पाएगा? देखिए, 8800 का लेवल तो अभी फिलहाल दूर है अखिलेश, अभी लग रहा है कि जो गिरावट है वो थमी है और अब फेस्टिवल सीजन की एक डिमांड जरूर पिकअप हुई है। सभी मसालों के अंदर अभी तेजी का रुझान बना है। एज यूजुअल अभी एक्सपायरी भी बहुत करीब है तो इसीलिए थोड़ा सा तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बहुत ज्यादा तेजी अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि निर्यात मांग घटे हैं और अभी जो है तेजी बनती हुई जरूर फेस्टिवल सीजन के चलते आपको घरेलू बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। मंडियों में एक बार खरीदारी लौट सकती है जिसकी वजह से लेवल से आप मान के चलिए 2-5% की तेजी यानी 100-150 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सर बच्ची बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का नवंबर वायदा 11535 पर है और दिसंबर वायदा 11600 के ऊपर कारोबार कर रहा है और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6300 के ऊपर है और दिसंबर वायदा 6400 के ऊपर। रूपा जी देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक के बाद एक लगातार डेली बेसिस पे एक अच्छी तेजी के साथ अच्छी क्लोजिंग भी मिलती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या ग्वार यहाँ से तेजी की ओर ही रहेगा या फिर यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी बीच में देखने को मिल सकती है? देखिए, जो ग्वार के अंदर तेजी आ रही है दरअसल क्रूड की कीमतों में जो उछाल है, एक तो उसका इंपैक्ट है और दूसरा प्रोडक्शन कम रहने का अनुमान ग्वार का, ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एनसीडीएक्स पर ग्वार गम अपने जून 2015 के हाई पर अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, 11500 के पार जा चुका है। आपको बता दें कि 17 अगस्त को जो ग्वारेक्स लॉन्च हुआ था उसमें भी अब तक 30% की तेजी देखने को मिली है यानी 30% का रिटर्न वहां पर भी आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि कीमतों में जोरदार तेजी से गम के एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट मांग इतने नहीं बढ़े हैं जितनी कीमतों के अंदर प्राइसेस देखने कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। और जहां तक ग्वार गम की बात है तो 3 महीने की अगर हम आउटलुक उठाकर देखें तो 72% का उछाल ग्वार गम में भी देखने को मिला है और ग्वारेक्स ने 30% तेजी दिखलाई है। तो फिलहाल हाजिर मांग में ग्वार की जो मांग है वो कीमतों को सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। हाजिर के अंदर कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि लोगों की खरीदारी बढ़ रही है और जिनके पास स्टॉक रखा है वो भी उसको होल्ड किए हुए हैं।
और लेकिन जो हमारे यहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं, इससे निर्यात मांग के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपोर्ट्स लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं। और जहां तक प्रोडक्शन की बात है, चालू सीजन में बताया जा रहा है कि 35 लाख बोरी प्रोडक्शन संभव है, जो कि 2-3 सालों के उत्पादन से कम है। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स हैं जो ग्वार को सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ग्वार के अंदर तेजी देखने को मिल रही है और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि प्राइसेस के अंदर तेजी रह सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी इसका टारगेट दिया हुआ है कि ऊपर में 13,000 तक जा सकता है, ग्वार गम 13,000 तक ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। और इसी के साथ अगर सीड की बात करें तो सीड के अंदर भी अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इसको ऊपर में 6500 का लेवल जो था वो अब मुझे लगता है कि दिसंबर वायदा अभी आज कल में ऑलरेडी आज हाई लग चुका है, तो अभी यहाँ से मान के चलिए 6800 से लेकर 7000 सीड भी जा सकती है दिसंबर वायदा में, और गम जो है दिसंबर वायदा में 13000 तक ऊपर जा सकती है। जी, तो यानी कि ग्वार की कीमतों में जो तेजी है वो अभी जारी रह सकती है, फंडामेंटल्स ग्वार के काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिल रहे हैं। यूसुफ भाई, बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो देख रहे हैं कि एडिबल ऑयल पैक आज भी कुछ सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, सबसे पहले सरसों के ऊपर आपका व्यू जानना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि सरसों का स्टॉक भले ही अभी मंडियों में बहुत ही कम देखने को मिल रहा हो, और सरसों की नई फसल आने में भी अभी समय है, और कुछ खबरें भी निकल के सामने आई कि इस बार सरसों की बुआई लेट हुई है, तो इसलिए मार्केट्स में सरसों की जो नई आवक होगी, न्यू अराइवल होगी, वो भी लेट ही होगी। रूपा जी, आपको क्या लगता है आवकों में देरी होना, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि इस बार सरसों के किसानों को काफ़ी अच्छे दाम मिले हैं, तो किसानों ने इसकी बुआई भी ज़्यादा करने की सोची है, आपको क्या लगता है? अगर उत्पादन पहले के मुकाबले ज्यादा रहता है, लगभग दोगुना होने का अनुमान लगाया जा रहा है जानकारों द्वारा अभी सरसों का, तो क्या सरसों की कीमतों पर कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है आगे जाके? देखिए, हाल फिलहाल में जो फंडामेंटल अहम रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके चलते सरसों की कीमतें जो है अब तक काफी जो है वो रुकी हुई हैं और अभी तेजी की तरफ नहीं गई हैं। अभी एक त्योहारी सीजन की एक मांग है जो तेलों को ऊपर ले जा सकती है, लेकिन इसका फंडामेंटल अब काफी कमजोर होता है, आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें निकल कर आ रही है, हाँ, लेकिन अराइवल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2-3 महीने लेट हो सकती है, उसका इम्पैक्ट प्राइजेस के ऊपर आ सकता है, वो प्राइजेस को ऊपर उठाकर जा सकते हैं, लेकिन जब अराइवल्स आएंगे तब एकदम से प्राइसेस के अंदर करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। तो मिला जुला सर रुझान आप कह सकते हैं कि देखने को मिल सकता है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना तो मंदी की और अभी ना फिलहाल तेजी की। हाँ, अगर अराइवल्स लेट होते हैं, डिले होते हैं, तो एक कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ त्योहारी सीजन की एक मांग जो है एक्सपेक्ट की जा रही है वो निकल सकती है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो सरसों की कीमतों को फिलहाल सपोर्ट देते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अवज में अगर देखा जाए तो ओनली सरसों के अंदर ही तेजी का रुझान बन सकता है, लेकिन सोयाबीन और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में बहुत सुस्ती का माहौल है, उसमें कोई बहुत ज्यादा खरीदारी फिलहाल आती हुई नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि सोयाबीन 5000 के नीचे लुढ़क सकती है, वहीं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो वो भी 1200 के आसपास या 1200 के नीचे लुढ़क सकता है आने वाले दिनों में। त्योहारी सीजन के चलते थोड़ा बहुत पिकअप आ सकता है डिमांड के अंदर, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है मेरे हिसाब से, अभी तेलों के अंदर खरीदारी से बचना चाहिए। हाँ, सरसों के अंदर आप थोड़ी छुटमुट खरीदारी करके चल सकते हैं, कोई नीचे के स्तर अगर 8000 के नीचे अगर लुढ़कती है, किसी दिन करेक्शन आती है, तो वहां एक बाइंग की रणनीति बना सकते हैं जो कि इसको आने वाले 10-15 दिनों में तेजी की तरफ बाजार ले जा सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे बहुत ज्यादा तेजी का नहीं लगता है, मेरे हिसाब से तेलों के अंदर गिरावट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, कॉटन की बात करें तो कॉटन में आपको क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि पिंक बॉलवॉर्म कीट से कॉटन की फसलें खराब भी हुई थी, भारी बारिश की वजह से भी खराब हुई थी, और दूसरा जो घरेलू कंजप्शन है, जो घरेलू खपत है कॉटन की, वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, और एक्सपोर्ट्स भी, आपको क्या लगता है ऐसे में आगे जाके कॉटन की कीमतें क्या देखने को मिल पाएंगी? अखिलेश, देखिए, कॉटन की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। अभी फिलहाल घरेलू बाजारों की बात करें तो MCX पर रिकॉर्ड हाई पर कॉटन के भाव देखने को मिले हैं, सीबोट पर भी भाव जो है 2011 की ऊंचाई पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ग्लोबल डिमांड काफी मजबूत है और अमेरिका में उत्पादन घटने के अनुमान से कीमतों को काफी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। वहीं डॉलर में जो कमजोरी आई है उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कॉटन की कीमतें अभी फिलहाल फंडामेंटली काफी पॉजिटिव है, आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि तेजी की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी
रूपा जी टॉपिक्स जानना चाहेंगे आपसे एग्री कमोडिटीज के, वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर अच्छा बेहतरीन मुनाफा कमा के चला जा सकता है? अखिलेश देखिए, अगर टॉपिक की बात करें तो अभी फिलहाल जो है हॉट पिक ग्वार ही है। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार हम ग्वार के अंदर ही खरीदारी आते हुए देख रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ग्वार के अंदर ही बाइंग की रणनीति होनी चाहिए। आने वाले दिनों में ग्वार जो है एक तेजी की तरफ जा सकता है। ग्वार के साथ साथ कैस्टर सीड पर भी नजर रखी जा सकती है, कैस्टर सीड के अंदर भी खरीदारी की जा सकती है। जी, तो यानी कि ग्वार और कैस्टर सीड के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय करें क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।